अगर आप 2 महीने सुबह नाश्ते में ओट्स खाते हैं तो शरीर में होंगे ज़बरदस्त बदलाव। सुबह सुबह ओट्स खाने से हमारे शरीर में क्या होता है दोस्तों, बस इस वीडियो में मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ओट्स क्या होता है, इसका सेवन हमें कैसे करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, सारी डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों ओट्स भी जैसे कि गेहूँ होता है ना हमारा, बिल्कुल वैसा ही एक अनाज होता है और इसे हिंदी में कहा जाता है जई। तो आप देख रहे हैं ये इस तरह का मैंने ओट्स लिया है दोस्तों, और ओट्स हमें बहुत ही हेल्दी रखता है, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसे भी बाकी अनाज के जैसा ही इसे उगाया जाता है और ढेर सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन इसमें ज़बरदस्त मात्रा में होते हैं जो कि इसे सभी अनाजों से बिल्कुल ही अलग बनाते हैं। यदि आप ओट्स का सेवन करते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, भरपूर मात्रा में ओट्स में फाइबर होता है। इसीलिए तो दोस्तों जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं ना, वे लोग एक टाइम के नाश्ते में तो ओट्स ज़रूर ही लेते हैं। अनगिनत बीमारियों को दूर करता है ओट्स, तो ओट्स को अपने रोज़ के नाश्ते में, खाने में किसी ना किसी रूप में शामिल करें। बहुत अलग अलग तरीके से आप ओट्स की वैरायटी को बना सकते हैं। अनगिनत बीमारियों को दूर करेगा ओट्स और साथ ही साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है दोस्तों। यदि शरीर में कोई बीमारी भी हो जाती है या रहती है पहले से, तो यदि आप ओट्स का सेवन करते हैं तो बीमारी भी दूर होगी। बीटा ग्लूटोन नामक तत्व होता है दोस्तों, और ओट्स खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैंने ओट्स लिया है, इसमें से मैंने यहाँ पर 3 चम्मच ओट्स एक बोल में निकाल लिया है। आप किसी ना किसी रूप में ओट्स का सेवन करें, ओट्स का दलिया बनाकर खाएं, ओट्स को नमकीन बनाकर खाएं, जैसे कि हम पुलाव बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, आप किसी ना किसी रूप में ओट्स को खाएं। तो आज मैं आपको एक तरीका और बता रही हूं दोस्तों जिससे आपके शरीर को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ओट्स लिया है और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 छोटा गिलास भर के मैंने दूध डाला है। तो ओट्स और दूध डालने के बाद अब आपको इसमें मिलाना है 1 एप्पल। दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको ये जो नाश्ता बता रही हूँ, यदि आप इसे लेंगे, कोई भी यदि हार्ट पेशेंट है दोस्तों, इस नाश्ते को अगर वो लेता है तो हार्ट से संबंधित बीमारी भी दूर होगी, क्योंकि ओट्स खाने से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वह बिल्कुल ही कंट्रोल में रहता है। जिन्हें हाई बीपी है दोस्तों, उन्हें भी ओट्स का नाश्ता जरूर करना चाहिए, किसी ना किसी रूप में खाएं दोस्तों। ओट्स के आटे की चपाती बनती है, ओट्स को ग्राइंड करके मिक्सी के जार में ग्राइंड करें, इसका पाउडर बनाएं और इसकी रोटी बना सकते हैं। गेहूं के आटे में इसे मिक्स करके चपाती बनाएं, पराठा बनाएं, ओट्स का उपमा बनाएं, ओट्स की खीर बनाएं, किसी ना किसी रूप में खाएं, या मेरे जैसे आज जो मैं रेसिपी बता रही हूँ बहुत ही हेल्दी है। तो 1 गिलास दूध, 3 बड़े चम्मच ओट्स, 1 एप्पल लिया है, एप्पल को भी मैंने छिलके सहित ही काटा है दोस्तों। हमें कोशिश करना चाहिए कि छिलकों को ना फेंकें, छिलकों में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। तो 1 एप्पल मैंने इसमें काट दिया है दोस्तों। एप्पल और ओट्स यदि आप खाएंगे ना, तो आपके शरीर में जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, ओट्स बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में जमा होने नहीं देता है। भरपूर मात्रा में ओट्स में फाइबर होता है, इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर दोनों ही इसमें होते हैं, इसलिए ये हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है, बीपी कंट्रोल रहता है, शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें भी ओट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ओट्स खाने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, क्योंकि इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, भरपूर मात्रा में ओट्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और साथ ही इसे खाने से दोस्तों हमारा हाजमा अच्छा रहता है, हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फाइबर होता है दोस्तों। अब ये जो हम आपको आज मैं आपको ओट्स की डिश बनाना बता रही हूँ दोस्तों, इसे मीठा करने के लिए बिल्कुल भी शक्कर का इस्तेमाल ना करें, शक्कर से हमारे शरीर को कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता। मीठा करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर डाल दें, 1 यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो खजूर होता है ना दोस्तों, पिंड खजूर बोलते हैं बहुत सी जगह पे, बहुत लोग इसे खजूर बोलते हैं, डेट्स भी कहा जाता है, और 1 डेट्स डालें। यदि थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 डेट्स भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत मीठा होता है, तो हमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डेट्स में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो एनीमिक पेशेंट हैं उन्हें कम से कम 2 से 3 खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। तो ये जो हम डिश बना रहे हैं दोस्तों, इसमें मीठापन भी आ जाएगा, हमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो बढ़िया सब इसमें डाल दिया है दोस्तों। 10 से 15 मिनट आप दूध में ओट्स को फूल जान दीजिए, सोख हो जान दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे आपको पीस लेना है। तो थोड़ी देर फूलने के बाद दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई थी दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें वापस थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है। तो आप अपने पसंद की कोई भी रेसिपी ट्राई करें, बहुत सी रेसिपी बनती है दोस्तों दूध में उबाल कर लें। दूध के साथ पसंद नहीं करते हैं तो आप 2 चम्मच ओट्स को 1 गिलास पानी में डालकर उबाल कर पका कर भी खा सकते हैं, या फिर जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ एक बार आप मेरे कहने से इसे ज़रूर ट्राई करें। 1 सप्ताह तक लगातार रोज़ आप ओट्स का सेवन करें, आप खुद देखेंगे आपको आपके शरीर में ताजगी फुर्ती महसूस होगी, हड्डियों के दर्द जोड़ों के दर्द से आपको आराम मिलेगा। तो बढ़िया ग्राइंडिंग जार में मैंने इसे डाल दिया है, 15-20 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं ओट्स के जो दाने हैं बढ़िया अच्छे दूध में फूल चुके हैं, सोख हो चुके हैं। और यदि आप ओट्स का सेवन लगातार करेंगे दोस्तों तो इससे ऐसा कहा जाता है ओट्स खाने से कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी ख़त्म हो जाता है, हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारे स्किन में बहुत अच्छी चमक आती है और साथ ही साथ ड्राई स्किन की जिसे प्रॉब्लम है, मुहासे की समस्या वह भी दूर होती है, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, डैंड्रफ की समस्या भी हल होती है। तो कुछ दिन आप इसका सेवन करें, आपको इसके अद्भुत चेंजेस मिलेंगे, अद्भुत फ़ायदे मिलेंगे, आपके शरीर में अद्भुत चेंजेस होंगे। तो दूध में पका कर खाएं, प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बस ये हमारा एप्पल के साथ ओट्स जो मैंने बताया आपको डिश बनकर तैयार है। आप इसे 1 कटोरा भरकर रोज़ नाश्ते में लें, सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में, किसी ना किसी रूप में आप ओट्स का सेवन ज़रूर करें। किसी भी कंपनी का ओट्स आप ना लें दोस्तों, कई बार ओट्स भी अच्छे नहीं रहते हैं। मैंने यहाँ पर डिज़ानों के ओट्स लिए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। तो दोस्तों यदि आप डिज़ानों के ओट्स को परचेस करना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसे ऑनलाइन परचेस कर लें। साथ ही साथ मैंने यहां पर जो भी सामान यूज किया है, ग्राइंडिंग जार, नाइफ, जो भी यूज किया है, यदि परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शिखा किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।